गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे दैनिक पाठ योजना और उसकी आवश्यकता। सबसे पहले हम देखते हैं दैनिक पाठ योजना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कल कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, संघ में किस किस विधि प्रविधि के द्वारा पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज करना है, कितने मिनट में पढ़ाना है, इसका अनुत्यय हम दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक शिक्षण करवाने से पूर्व सोचता है कि उसको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किन टॉपिक पे लाना है, कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, कितने मिनट में पूछने हैं, ये एक शिक्षक द्वारा पता लगाया पहले से ही जाता है। जिसके लिए अगर हम देखें तो शिक्षक 30 से 40 मिनट की जो दैनिक पाठ योजना है उसको बनाने का प्रयास करता है और उससे पूर्व उद्देश्य को निर्धारित करता है, कौन सी विधि का उसको यूज करना है, कब करना है, उसका तय भी एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखेंगे दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना में कक्षा कक्ष में क्या पढ़ाना है, कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस विधि प्रविधि का प्रयोग करना, ये सब तय कौन करता है, एक शिक्षक द्वारा तय किया जाता है कि कक्षा कक्ष में उसको क्या पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, कौन सी विधि का कैसे उपयोग करना है, वो कौन करता है, एक शिक्षक करता है। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें 35 से 40 मिनट की योजना बनानी पड़ती है। इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो शिक्षक द्वारा 35 से 40 मिनट की योजना इसमें बनानी पड़ती है। फिर हम देखते हैं शिक्षण सूत्रों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। हम दैनिक पाठ योजना में हम शिक्षण सूत्रों का भी उपयोग करते हैं, सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है। फिर हम देखते हैं सहायक सामग्री। आगे देखे तो सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, वह शिक्षण सामग्री के ले जाकर कक्षा में उस सामग्री को दिखाकर भी शिक्षण कार्य करवाने का पूर्णतः प्रयास करता है, जिससे जो हमारा शिक्षण कार्य है वह प्रभावी और रुचिकर बनता है और बच्चे रुचि उत्पन्न करके वह पढ़ने की कोशिश कर पाते हैं। देखते हैं इसकी आवश्यकता।
आवश्यकता कि दैनिक पाठ योजना की हमें जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस होती है, तो इसमें हम देखते हैं शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं। अब जो दैनिक पाठ योजना है वो शिक्षक के लिए क्या करती है, मार्गदर्शिका का कार्य करती है, शिक्षक को मार्ग देती है, क्योंकि दैनिक पाठ योजना से जो शिक्षक पढ़ाता है तो उसे पढ़ाने में सरलता मिलती है, क्रम वाइज वो पढ़ा सकता है, पूरे पाठ को पढ़ाने में जितना टाइम खींच जाता है वह कुछ मिनटों में उसको संपूर्ण करवा देता है। फिर नेक्स्ट है पाठ योजना के अब हम देखते हैं कि जो पाठ योजना है उसके महत्वपूर्ण दो लाभ हैं। कौन से हैं? पहला है उत्तम शिक्षण में योग, फिर नेक्स्ट है उत्तम शिक्षण का निर्माण करते हैं। अब जो पाठ योजना है उसके महत्वपूर्ण दो लाभ होते हैं, जिसमें हमने देखा उत्तम शिक्षण के में योग के उत्तम अच्छा शिक्षण देने के लिए है यह पाठ न बहुत ही महत्वपूर्ण या योग्य रखती है। दूसरा यह हमें उत्तम शिक्षण का निर्माण भी करती है, शिक्षक इसके द्वारा पढ़ाता है तो शिक्षण कार्य बहुत ही सरल व उत्तम बन पाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें क्रियाशीलता बढ़ावा मिलता, इसके अंदर हम आगे देखते हैं तो इसमें क्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वह रुचिकर बनती है, बच्चे अधिक से अधिक शिक्षण कार्य को कर पाते हैं। तो ये थी इसकी आवश्यकता। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है, दैनिक पाठ योजना क्या है उसकी आवश्यकता को दैनिक पाठ योजना क्या है उसकी आवश्यकता बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए, यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे